लखपति दीदी योजना के इस महती कार्यक्रम में उपस्थित भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय विधायक जैसलमेर श्री छोटू राम छोटू सिंह भाटी जी, माननीय विधायक पोखरण महंत प्रताप पुरी जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव शेखर कुमार जी, यहाँ आए हजारों की संख्या में माताओं बहनों, अन्य महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज बहुत ही सुखद अवसर है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर लखपति दीदी योजना के इस महती कार्यक्रम में यहां हम सब एकत्र हुए हैं। लखपति दीदी महज एक योजना नहीं है, यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में देश के लोकप्रिय और स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह विरल सोच है जिससे महिलाओं के उज्जवल भविष्य और आर्थिक राहों की ओर कदम उठाया गया है। मैं मानता हूं कि महिलाएं संवेदनशीलता से निर्णय लेने में ही नहीं, सामूहिक हित की सोच से कार्य करने में भी पुरुषों से कहीं बहुत आगे हैं। उनकी प्रतिभा को यदि अवसर मिलते हैं तो वे अधिक तेजी से आगे बढ़ पूरे समाज विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। महात्मा गांधी ने इसलिए कभी कहा था कि किसी परिवार में अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार उससे लाभान्वित होता है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलनों की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए कि बेटियां पढ़ लेती हैं और समाज में उनका अस्तित्व बचा रहता है। तो भारत फिर से महाशक्ति बनने की राह पर चल सकता है। मैं मानता हूं यह महिला शक्ति ही है जो केवल अपने लिए नहीं पूरे विश्व के भले को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करती है। लखपति दीदी योजना महिलाओं को सच और आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी सोच है। स्वयं सहायता समूह की अनूठी सोच है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लाखों महिलाओं को आजीविका के लिए प्रेरित करने वाली यह जो दृष्टि है वह आने वाले समय में राजस्थान की महिलाओं के लिए भी वरदान बनेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान में 11,25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। मैं समझता हूं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के अंतर्गत विभिन्न आजीविका कार्यों में लगे स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इस लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर आगे बढ़ेंगी। हमारे प्राचीन पुराणों में और शास्त्रों में बार बार यह आता है कि यह पृथ्वी नारी शक्ति से ही चल रही है। सरस्वती के रूप में नारी सृजन, लक्ष्मी के रूप में पालन करती है और महाकाली के रूप में आसुरी शक्तियों का नाश करती है। भारतीय परंपरा में कन्या पूजन की परंपरा नारी शक्ति की उपासना से ही जुड़ी है। नारी सक्षम है, बस हमें उन्हें लखपति दीदी जैसे कार्यक्रमों से जोड़ना है। वह स्वयं सिद्धा है। याद रखिए, नारी सशक्त बनती है तो पूरे समाज को इसका लाभ मिलता है। मैं चाहता हूं इस
विचार विरासत को आगे बढ़ाते हम आइए कृषि लघु उद्योग हस्तशिल्प पशुपालन महिला उत्पादक समूहों को सभी स्तरों पर बढ़ावा दें। अभी हम लोग देख रहे थे महामहिम राष्ट्रपति महोदया स्थान का अवलोकन कर रही थी, उसमें हमने देखा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं ने अपने यहाँ अनेक प्रकार के उत्पाद किए, अनेक प्रकार के कार्य किए और वो कार्य निश्चित रूप से स्थानीय आधार पर लोकप्रिय है, लोगों के उपयोग में आने वाला है और इसी का परिणाम है उनको लग रहा है कि हमें इस प्रकार का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है सरकार के माध्यम से, हमें विभिन्न प्रकार के लोन भी कम ब्याज दर पर प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका लाभ व्यापक तौर पर उठा रही हैं और रोजगार देने वाले बन रही हैं। राजीव का द्वारा चलाई जा रही महिला उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। चाहता हूं लखपत दीदी अभियान तेजी से गति पकड़े, इस अभियान से जुड़ी और भविष्य में जुड़ने वाली सभी बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए स्वस्थ कामना है। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस धरती पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।